नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। मैडम, क्या नाम है आपका? बबली। कहाँ तुम पढ़ाती हो? तुम्हारे चेहरे पे चोटें आई हैं, क्यों आई हैं? पूरी बात बताओ। मैं प्राथमिक विद्यालय नगला रतिया में पढ़ाती हूँ। फ्लोर टूटा है और मेरे प्रधानाध्यापक से आज झगड़ा हो गया था, तो उपस्थिति के पीछे वो क्या था कि मैं अपने बच्चे को रिसीव करने के लिए 9:45 बजे गई थी, उसके बाद तुरंत विद्यालय में आ गई, तो उन्होंने मेरा टाइम गलत डाल दिया। टाइम को मैं जब 1 बजे छुट्टी के टाइम पे मैं सिग्नेचर करने पहुंची, तो मैंने उनसे पूछा, मैडम ये क्या हो गया, ये गलत टाइम किस गया? मैडम ने तुरंत मुझसे एक ही बात पूछी थी कि मेरे यहाँ से 10 बजे से गायब हो गए और मुझे नहीं पता है, और ज़्यादा हमसे ड्रामा करोगे तो हम तुम्हें यहाँ से निकलवा देंगे। बोले मैं प्रधानाध्यापक हूँ और क्या बोलूँ। तो ये चेहरे पे चोट कैसे आई है? चेहरे पे बस मैंने यही पूछा था उनसे, मैडम से, कि मैडम ये टाइम आप डेली ड्रामा क्यों करते हो, डेली हमें परेशान क्यों करते हो? तो बस इतने पे उन्होंने हमें थप्पड़ मारना शुरू कर दिया था, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। तो इसकी कहीं शिकायत की आपने? अभी तक की नहीं, मगर अभी हम करने जा रहे हैं। हमने अपने टूला में शिकायत कर दी है थाना कार्यालय, उसकी FIR करवा दी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनीता और प्राथमिक विद्यालय नगला रतिया में प्रधानाध्यापक हूँ। अच्छा, आपके स्कूल में आज जो है शिक्षा मित्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, उसके चेहरे पे निशान में, क्या कहना है आपका? जी सर, मारपीट तो बिल्कुल बेबुनियाद है। इसके बारे में कहना चाहूँगी कि मैं लगातार 8 दिन से उनको वार्निंग दे रही थी और लिखित में अपने विभाग को भी अवगत करा रही थी कि बबली मैडम डेली लेट आती हैं और शाम को बिना बताए शाम को क्या कभी भी निकल जाती हैं। 2 दिन से लगातार 9:45 बजे जा रही थी। आज उन्होंने 9:45 बजे के बाद जाने के बाद सिग्नेचर के लिए रजिस्टर मांगने सर उठाया अपने आप, तो मैंने कहा मैडम जो शान का टाइम पड़ा है वो पड़ा रहने दो, आप साइन कर लो, टाइम पड़ा उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मुझसे छूटते ही कहा कि तू होती कौन है, तो मैंने कहा मैं हेड हूँ, मैं इसमें मेरा अधिकार है कि तुम्हारे बारे में मैं कुछ इसमें कहूँ तुमसे, ये मेरा कोई द्वेष भावना तो है नहीं है, एक हेड के नाते कहना पड़ता है। तो उन्होंने कहा तू कौन होती है, तो उन्होंने रजिस्टर फाड़ने की मुझे धमकी दी, तो मैंने वो रजिस्टर छिनाना चाहा उनसे, तो रजिस्टर छीना झपटी में उनके मेरे नाखून लग गए। ऐसे मारपीट का कोई मामला नहीं है, ये सत्य है। और आप जाके घटना के समय वहाँ जल निगम से आए हुए 2 मजदूर और हमारी रसोईया, हमारी एक सहायक अध्यापिका और हमारे तमाम बच्चों के बीच आप जाके जानकारी कर सकते हैं। मारपीट का मामला बिल्कुल बेबुनियाद है। अभी आप कह रही थी कि क्या ना उन्होंने बाल पकड़े थे और उसके बाद जी बिल्कुल, जब मैं उसके बाद में चेहरे पे ये क्या नाम है दाग निशान आए, जब मैं रजिस्टर छीनना चाह रही थी तो उन्होंने मेरे बाल पकड़े थे, और इससे पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं थप्पड़ दूंगी तो होती कौन है। तो यहाँ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए मैंने उनसे कहा कि आप रजिस्टर मत लो, मैंने रजिस्टर छीनना चाहा तो उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए, मैंने अपने बाल छुड़ाने और रजिस्टर छिनाने बचाने के चक्कर में मेरे नाखून उनके चेहरे पर लग गए हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है और ना ही कोई इसमें वैसी बात है लड़ाई वाली। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।